हे एवरीबॉडी दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश स्वागत है आपका हमारी स्टैटिक जीके की एमसीक्यू सीरीज में जिसमें कि हम लूसेंट का जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपके लिए कवर कर रहे हैं आज हमारा है अठारवा दिन पच्चीस क्वेश्चन के सेट मैं आपके लिए डेली के लेके आती हूँ आज भी कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आप क्या करना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और देखना कि आपका कितना स्कोर इसमें बन रहा है पच्चीस क्वेश्चन एग्जाम में भी आपके पच्चीस ही आते हैं तो बटना है पहले क्वेश्चन की तरफ पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति जो हमारे होते हैं उनका एज क्राइटेरिया क्या होता है मिनिमम एज क्राइटेरिया आपको पूछा है कि कम से कम कितनी उनकी एज होनी चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही थर्टी फाइव ठीक है तो थर्टी फाइव एज आपके उपराष्ट्रपति और जो राष्ट्रपति होते हैं तो दोनों का याद रखना है प्रेजिडेंट के लिए भी पूछेगा तो यही आएगा और वाइस प्रेसिडेंट ठीक है तो इन दोनों के लिए आपको थर्टी फाइव एज होनी चाहिए कम से कम और भारत के सिटीजन होने चाहिए ये तो ऑब्वियसली बात है और ऑप्शन uh, की बात करें तो तीस जो होती है ये राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनके लिए होती है ट्वेंटी वन बात करें तो जो पंचायत के मेंबर होते हैं यानी कि पंचायत जो सदस्य होते हैं उनकी कम से कम इक्कीस साल होनी चाहिए और पच्चीस आपकी होती है लोकसभा के लिए ठीक है तो लोकसभा या फिर आपका अगर प्रधानमंत्री पूछता है यानी कि हमारे पीएम ऑफ इंडिया जो होते हैं उनके भी कम से कम पच्चीस होनी चाहिए और सब में सिटीजन ऑफ इंडिया तो ये होने ही चाहिए बाकी ये एज क्राइटेरिया की हमने बात कर ली ठीक है तो राज्यसभा और लोकसभा में भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको याद रखनी है ये चीजें यहाँ से

टेन मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड जीता था ठीक है तो ये आपको इनका नाम डायरेक्ट यहाँ से याद रखना है यहीं पे कंडम मल्लेश्वरी की बात करें तो ये पहली महिला थी जो हमारे लिए ले मेडल लेके आई थी कब लाए थे ये तो ये लाई थी आपकी 2000 के ओलंपिक जो हुए थे वहां पे हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था तो ये सारे फैक्ट्स आपको यहाँ से याद रखते हुए चल रहे हैं अगला आपको पूछ रहा है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर आपको बताना है कौन सी झील पर स्थित है यानी कि कौन सी लेक पर ये स्थित है तो ये भारत का ही एकमात्र ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो कि, कि किसी तैरते हुए झील पर स्थित है तो कहां पे वो जाएगा ये ये है आपके डल लेक पे जो कि कहाँ पे मौजूद है तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको ये देखने को मिलेगी बाकी और ऑप्शन की बात करें तो वोलर लेक भी आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी चिल्का लेक पे है ये है उड़ीसा में ठीक है ये क्या है ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है तो चिली लेक उड़ीसा में हो जाएगी लोकटक लेक की बात करें तो यहाँ पे आपको एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क मिलेगा यहाँ पे तो हमने फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस की बात करी लेकिन फ्लोटिंग नेशनल पार्क पूछेगा तो ये आपको लोकटक लेक में मिलेगा जो कहाँ पे है मणिपुर में कौन सा वो नेशनल पार्क है तो उसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ठीक है तो ये लोकटक लेक पे ये भी आपको याद रखना है अगला पूछा है कि जो सोमनाथ मंदिर है किसको ये डेडिकेटेड है तो ये है लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है उनके जो बारह ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक आपका सोमनाथ टेम्पल में मिलेगा तो ये कौन से राज्य के तट पर है ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका डी गुजरात ठीक है तो गुजरात के तट पर आपको सोमनाथ टेम्पल मिलेगा ये वही सोमनाथ टेम्पल है जो आपने सुना होगा एक बार एक हजार पच्चीस में मोहम्मद गजनी जो था तो उसने इस पे आक्रमण करा था और बहुत सारा सोना वो यहाँ से चुरा ले के लेके चले गया था तो वो यही वाला सोमनाथ टेम्पल है और कहाँ पे ये स्थित है तो गुजरात में ये स्थित हो जाएगा अगला आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा जो मठ है यानी कि कौन सा मुनाशी जिसको बोला जाता है वो सिक्किम में स्थित है मोनाशी के होते हैं जो बुद्धिस्ट टेम्पल होते हैं उन्हीं को मठ बोला जाता है तो आपको बताना है कि सिक्किम में कौन सा प्रेजेंट है तो देख लेते हैं सारे ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं हेमिस आपको पे मिलेगा तो लद्दाख में आपको ये देखने को मिलेगा टैबो की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मिलेगा रूमटेक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में ही आपको देखने को मिलेगा तो इसलिए सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा के की बात करें तो ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा तो आपको सारे मठ पता होने चाहिए कौन से कौन से कहाँ पे मौजूद है अगर पूछा है कि मलालुफ जई जो थी उनसे पहले कौन सी ऐसी महिला या कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था और वो यंगेस्ट बने थे ठीक है अभी तो फिलहाल मलाला यूसुफ जई सबसे यंगेस्ट है इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था दो में किसके साथ तो हमारे भारत के थे कैलाश सत्यार्थी जी उनके साथ आपको मलाला यूसुफ जई का नाम देखने को मिलेगा लेकिन इनसे पहले आपको पूछा है तो कौन है ये ये है मैरी क्यूरी तो इनको यंगेस्ट एज में इस प्राइज से सम्मानित किया गया था मलाला यूसुफ जई से पहले की हम बात करें और पहली महिला भी बनी थी जिनको की नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था उन्नीस में इनको मिला था केमिस्ट्री फिजिक्स के फील्ड में ठीक है और 1911 की बात करें इसमें इन्हें केमिस्ट्री में, में ही मिला था तो दो फील्ड में इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है और याद भी रखना है कि कब कब है शुरुआत कब हुई थी तो 1901 में नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी अल्फ्रेड नोबेल के नाम के एक वैज्ञानिक है स्वीडिश वो वैज्ञानिक है तो उनके नाम पे नोबेल प्राइज की शुरुआत करी गई थी तो सारे ये जो फैक्ट्स हैं आपको यहाँ से याद रखने हैं अगला पूछा कि जो आई कोड आपने सुना होगा जो भी बैंक होता है हर बैंक का अपना एक अलग आई कोड होता है तो उसमें आपको बतानी है कि एफ का पूरा रूप आपको बताना है कि एफ क्या रिप्रेजेंट उसमें करता है तो इसके लिए आपको पूरी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आई कोड की तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है इसकी फुल फॉर्म फुलती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ठीक है तो इसमें एफ की बात कर रहा है तो फाइनेंशियल आपका आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही और कितनी डिजिट का है, होता है ये तो ये भी आपको पूछता है तो ग्यारह इसमें टोटल डिजिट होती है और हर बैंक का अपना अलग आई कोड होता है अगला पूछा कि हंटर कमीशन आपको बताना है कि हंटर आयोग जो आया था 1882 वाले की बात कर रहा है दो हंटर आयोग आए हैं तो दोनों को आपको अलग अलग याद रखना है जो 1882 में आया था वो किससे रिलेटेड था पहले तो आपको ये पता होना चाहिए तो ये एजुकेशन से रिलेटेड था आपका

अगला बात कर रहा है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जाना जाता है तो ये जाना जाता है कपिल देव को कौन है ये ये हमारे क्रिकेट टीम से बिलोंग करते हैं तो इन्हीं को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है और अभी इन्हीं के नाम पे एक मूवी आई है 83 मूवी तो मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दो क्यों क्योंकि जो फिल्म फेस्टिवल अभी हुआ है उसमें बहुत सारे अवार्ड एटी थ्री मूवी ने जीते हैं तो इसलिए आपको यहाँ से याद रखना है कि ये किसकी है कपिल देव जी की मूवी हो जाएगी अगला पूछा है कि जो फ्लोएम होता है प्लांट में तो वो ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू में से एक होता है दो ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू होते हैं एक तो आपका फ्लोएम हो गया और एक आपका जाइलम होता है ठीक है तो फ्लोएम का आपको काम पूछा है यानी कि इसका क्या काम होता है किसको ये ट्रांसपोर्ट करता है तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन का इसका काम होता है यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ है वो कौन पहुंचाता है पौधे के पूरे पार्ट में

जो बारदोली में जो महिलाएं थी उन्होंने इनको सरदार बोला था तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने इनको ये उपाधि दी थी इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं लौह पुरुष या फिर आयरन मैन तो ये भी आपको याद रखना है और इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब आती है तो इकतीस अक्टूबर को तो उस दिन हम क्या मनाते हैं यूनिटी डे हम उस दिन मनाते हैं तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं अगला पूछा है कि ईस्ट का यानी कि पूर्व का महाकुंभ किसको बोला जाता है महाकुंभ ऑफ ईस्ट किसको बोला जाता है अब महाकुंभ बोल रहा है इसका मतलब है कि बहुत बड़ा मेला वो होता होगा क्योंकि महाकुंभ बहुत बड़ा मेला होता है हमारे चार अलग अलग राज्यों में वो लगता है तो यहाँ पे फिलहाल बात हो रही है कि पूर्व का महाकुंभ किसको बोलते हैं तो ये होता है अम्बुबाची मेला कहां पे ये लगता है तो पूर्व के ही स्टेट में लगेगा तो असम में इसको कंडक्ट करवाया जाता है और वहां पे एक टेम्पल है बहुत ही फेमस टेम्पल है जिसका नाम है कामाख्या देवी टेम्पल ठीक है तो वहां पे ये सेलिब्रेट किया जाता है अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से कौन सी अनुसूची है यानी कौन सा आपका शेड्यूल है जो कि बताता है जो भी हमारे संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शनरीज होते हैं उनकी शपथ के बारे में वो बताती है कौन सी वो अनुसूची है तो ये हो जाएगी थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टोटल कितनी है? हमारे पास बारह अनुसूची हैं तो उनमें से आपकी तीसरी अनुसूची इसके बारे में बताती है यानी कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या जो हमारे महान्यायवादी होते हैं ये जो भी शपथ लेते हैं तो इसके बारे में थर्ड शेड्यूल में जिक्र करा गया है और ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ शेड्यूल आपकी जो राज्यसभा की सीट होती है उनके एलोकेशन के बारे में उनका बंटवारा किस तरीके से होगा उसके बारे में आपका फोर्थ शेड्यूल में लिखा गया है पांचवे शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल कास्ट से जो रिलेटेड चीजें हैं वो आपके फिफ्थ शेड्यूल में रखी गई है और सेकंड शेड्यूल की बात करें तो ये बताती है इमोल्यूमेंट यानी कि जो भत्ते होते हैं यानी कि किसको कितनी सैलरी दी जाएगी जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शनरीज होती है किसको कितनी सैलरी दी जाएगी वो आपके सेकेंड शेड्यूल में रखी गई है फिलहाल हमारा आंसर यहाँ पे थर्ड शेड्यूल हो जाएगा जो कि हमारे शपथ से रिलेटेड हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोला जाता है तो ये कब स्टार्ट करा गया था तो तो ये करा गया था आपका 1942 में तो ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डेट की बात करें तो एट ऑफ अगस्त 1942 को इसको स्टार्ट करा गया था अगस्त में करा गया था इसलिए इसे अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में पूछता है कि अगस्त मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को ही बोला जाता है किसने ये स्टार्ट करा था तो एम के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा ये स्टार्ट करा गया था कि जो भी थे, जो भी अंग्रेज थे थे ब्रिटिशर्स उनको भगाने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद की बात ये हो जाएगी ठीक है अगला पूछा है कि जो मेमोरी साइज होती है कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए उसमें आपको बताना है कि एक जीबी में कितने एमबी होते हैं ठीक है वैसे आप लोगों को इसका आंसर पता होगा क्योंकि आप मोबाइल डेटा भी जो यूज करते हैं उसमें भी सेम ही यूनिट यूज होती है तो एक जीबी में कितने एमबी होते हैं एक हजार चौबीस आपकी एम बी हो जाएंगी इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एक हजार चौबीस एम बी ठीक है अगला पूछा है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है यानी कि जिसको प्रकाश संश्लेषण हिंदी में बोला जाता है तो ये किसकी प्रेजेंस में ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी क्लोरोफिल और सनलाइट यानी कि सूर्य की उपस्थिति में और क्लोरोफिल जो किस में पाया जाता है जो पाया जाता है आपका ग्रीन लीफ में यानी कि जो पौधे की हरी पत्तियां होती है उसमें या हरे जो पार्ट होते हैं उसमें आपका क्लोरोफिल पाया जाता है तो इन दोनों की उपस्थिति में आपका फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कम्प्लीट होती है होती क्या है ये प्रक्रिया तो इसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं और मतलब वो अपना खाना बनाते खाते हैं तो यही आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है जैसे हम करते हैं शोषण की प्रक्रिया दिन में तो ये करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया दिन में और रात को ये क्या करते हैं रात को ये अपनी शोषण की प्रक्रिया करते हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कमीशन से रिलेटेड कि इनमें से कौन सा जो कमीशन था वो राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध थे उनकी जांच के लिए भारत सरकार के द्वारा बिठाया गया था तो बहुत सारे कमीशन आए और इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सरकारिया कमीशन यह क्वेश्चन जिस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है तो ये इंटर स्टेट जो रिलेशन था उसको उसकी जांच के लिए आपका कमीशन बिठाया गया था कब बिठाया गया था तो नाइनटीन की ये बात हो जाएगी यहीं पे इन और कमीशन की बात करें तो मंडल कमीशन किसके लिए था ये था आपका जो आपकी बैकवर्ड क्लासेस थी यानी कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो बिठाया गया था वो आपका मंडल कमीशन हो जाएगा ना, नानावती कमीशन की बात करें तो जो सिख थे उनके रायोट चल रहे थे यानी कि उनके आंदोलन चल रहे थे तो उसमें जो सिखों की मृत्यु हुई थी तो 1984 की ये बात है तो उस टाइम पे इस कमीशन को बिठाया गया था और कोठारी कमीशन की बात करें तो ये एजुकेशन से रिलेटेड हो जाएगा ठीक है तो ये सारे कमीशन आपको यहाँ से याद रखते हुए चलने हैं अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो मूसी नदी और भीमा नदी जो दो नदियां हैं ये किसकी ट्रिब्यूटरी है यानी कि ये किसकी सहायक नदियां हैं तो अगर आपको मूसी पता होगा तो आप अपने आप ही आंसर कर पाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी कृष्णा ठीक है तो कृष्णा की ये दो सहायक नदियां है और मूसी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसकी सहायक नदी है यहीं से आपको मूसी से एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो मूसी है इसके न, इस नदी के तट पर कौन सा शहर आपको देखने को मिलेगा तो इसका नाम हो जाएगा हैदराबाद ठीक है तो हैदराबाद मिलेगा आपको मूसी नदी के तट पर निकलती कहाँ से है कृष्णा नदी तो ये निकलती है महाबलेश्वर से जो महाराष्ट्र में एक प्लाटू है तो वहां से आपको आपकी कृष्णा नदी देखने को मिलेगी महानदी की बात करें ये कहाँ बहती है तो ये उड़ीसा में बहती है ठीक है तो हवेरी की बात करें तो ये एक त्रेम्बक नाम का एक फ्लाटू है वहां से ये निकलती है ठीक है तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है अगला पूछा है कि जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स जिसको बोला जाता है तो ये इनमें से कौन सी चीज पर एप्लीकेबल नहीं होता है तो ऑटोमोबाइल जो होते हैं उसमें बिल्कुल आपका जीएसटी लागू होता है सैलून जो सर्विसेज होती है उसमें भी होता है रेस्टोरेंट सेवाओं में भी होता है तो एल्कोहल यानी कि शराब पर आपका कोई भी जीएसटी नहीं लगता है तो बहुत अच्छी बात है कुछ लोगों के लिए हो जाएगी शुरुआत कब हुई थी जीएसटी की अगर आपको पूछेगा तो एक जुलाई दो को इसकी शुरुआत करी गई थी ठीक है तो ये चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है अगला पूछा है कि लोकसभा का पहला सेशन कब कर, कंडक्ट करवाया गया था तो ये करवाया गया था थर्टींथ ऑफ मे नाइनटीन को ठीक है अगर सिर्फ ईयर पूछेगा तो 1952 हो जाएगा डेट सही पूछेगा तो 13 मई 1952 को आपका लोकसभा का पहला सेशन कंडक्ट करवाया गया था इस टाइम पे अगर आपको लोकसभा का स्पीकर पूछता है तो क्योंकि पहला स्पीकर इंपॉर्टेंट होता है तो इनका नाम था जीवी मामलंकर तो पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर हो जाएंगे अगला आपका जल संधि से पूछा है यानी कि जिसको इंग्लिश में स्ट्रेट बोला जाता है तो मेडिटेरेनियन सी और आपको अटलांटिक ओशन जो होते हैं इनको जोड़ने वाले कौन सा आपकी स्ट्रेट है कौन सी आपकी जल संधि है ये पूछा है जल संधि बेसिकली होती क्या है ये क्या करती है कि जो दो पानी की वाटर बॉडी जो होती है उनको तो ये जोड़ने का काम करती है लेकिन जो दो दो लैंड बॉडी होती है उनको ये अलग करने का काम करती है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है आपके स्टेट ऑफ जिब्राल्टर तो ये यूरोप को और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अलग करती है लेकिन आपका मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन को ये जुड़ने का काम करती है तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर ठीक है तेके? तो अगर ये भी पूछेगा कि किस किस कंट्री को ये अलग करती है तो यूरोप और अफ्रीका दो कॉन्टिनेंट को इसका अलग करने का काम होता है अगला पूछा है कि मानव शरीर का आपको सैनिक किसको बोला जाता है यानी कि शोल्डर ऑफ ह्यूमन बॉडी किसको बोला जाता है तो क्यों बोला जाता होगा क्योंकि हमारी रक्षा करते हैं जो भी कीटाणु या जो भी डिजीज से हमारी रक्षा करने का काम करते हैं तो ये हो जाती है आपकी वाइट ब्लड सेल यानी कि जिनको डब्लू भी बोला जाता है तो इनका काम क्या होता है कि जो भी डिजीज होती है उनसे ये हमको प्रिवेंट करती है यानी कि बचाती है इनका कार्यकाल भी आपको पूछता है कि इनका कार्यकाल कितना होता है तो तीन से पांच दिन का इनका कार्यकाल होता है यानी कि लाइफ स्पैम कितने दिन तक ये रहती है उसके बाद ये मर जाती है यहीं पे रेड ब्लड सेल की बात करें तो इनका अगर पूछेगा तो 120 दिन का इनका कार्यकाल होता है यानी कि लाइफ स्पैन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अगला पूछा कि पेरियार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपको कौन से स्टेट में मिलेगी तो अगर आपको पेरियार रिवर पता है कि ये कौन से स्टेट में बहती है तो ये बहती है आपके केरल में तो वहीं पे आपको पेरियार नेशनल पार्क यानी कि पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी अगला पूछा है कि पुअर विजन यानी कि जो हमारी खराब दृष्टि होती है ये जो समस्या होती है ये कौन से विटामिन की कमी से देखने को मिलती है तो ये मिलती है विटामिन ए की कमी से ठीक है जिसको रतौंदी भी बोला जाता है तो क्योंकि रतौंदी में होता क्या है नाइट ब्लाइंडनेस उसको बोला जाता है तो वही पुअर विजन सेम ही होता है तो इसलिए आपका विटामिन ए आंसर हो जाएगा आयरन की कमी से बात करें तो एनीमिया रोग इससे होता है आयोडीन से बात करें तो गोइटर या जिसको घेंगा रोग भी बोला जाता है तो ये आयोडीन की कमी से होता है और विटामिन डी से आपका रिकेट्स होता है या जिसमें आपकी हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं तो वो विटामिन डी की कमी से होता है तो इनकी जितनी भी डेफिशियंसी से आपके विटामिन की कमियों से रोग होते हैं वो आपको याद रखते हुए चल रहे अगला क्वेश्चन तो तो आपको पूछा है कि जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है उसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या आपको बतानी है तो आप हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या तभी बता पाएंगे जब आप उसको इसका आपको फॉर्मूला पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है तो पहले फॉर्मूला ही देख लेते हैं सी एच सी ओ थ्री का होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे H जो है वो हाइड्रोजन को ही रिप्रेजेंट करता है तो कितने हो जाएंगे इसके दो परमाणु इसमें मौजूद हो जाएंगे तो इसलिए ए आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा दो परमाणु इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु इसमें उपस्थित होते हैं तो ये था हमारे 25 क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है वो भी हमने डिस्कस करें आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रही होंगे और आपकी एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेंगे तो इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग है नाइस डे बाय टेक केयर